हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब कोमल किचन में। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मूली पालक की सब्ज़ी। मूली पालक की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी होती है, टेस्टी के साथ साथ बहुत ही गुणकारी होती है। पालक में बहुत आयरन होता है और मूली तो गुणों की खान होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम मूली पालक की सब्ज़ी बनाना। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये पालक ले लिया है, इसको हम गर्म पानी से अच्छे से साफ़ करना है हमें, और उसके बाद हमें कट कर लेना। तो मैं ये कट कर लूँगी बाद में। ये मूली लिए हैं, ये पत्ते हैं, मूली के पत्ते हम फेंकेंगे नहीं, साथ में ही हम इनको कट कर लेते हैं। तो अगर साथ में बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही गुणकारी सब्ज़ी बनेगी। और ये हरा धनिया, हरी मिर्च, ये अदरक, लहसुन और दो बड़े प्याज, अभी हम इन सबको कट कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पालक और मूली के पत्ते और हरा धनिया मैंने एक साथ कट कर लिया है, हमें अलग अलग कट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम मिक्स इसमें साथ में ही कट कर लिया है। और मूली मैंने अलग कट किया है, ये देखिए ये मूली मैंने अलग कट कर लिया है। और ये मैंने प्याज कट कर लिया छोटी छोटी स्लाइस में, और ये लहसुन, हरी मिर्च और ये अदरक, इनका हमने पेस्ट बना लिया है। हरी मिर्च को हमने कट कर लिया है। ये हमने मसाला लिया है, ये एक टीस्पून रेड मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर और एक टी स्पून नमक लिया है। और ये हमने जीरा लिया है। अभी हम चलेंगे कढ़ाई की तरफ। तो ये मैंने कढ़ाई ले लिया है, इसमें डालेंगे हम सरसों का ऑयल, जो हमेशा डालते हैं वैसे ही हमें डालना है। तो हम एक चम्मच के करीब हम ऑयल डाला है इसमें। अभी ऑयल को गर्म होने देते हैं, अभी जीरा डाल देंगे और जीरे को अच्छे से ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो देखिए अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है। अभी हम इसमें डाल देंगे प्याज और प्याज को अच्छे से कर देंगे मिक्स। तो फ्रेंड्स, अगर इस तरह आप सब्ज़ी बनाओगे तो सच में ही बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनेगी। और प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि फ्रेंड वैसे पालक को हमें हफ्ते में 2-3 बार ज़रूर ही खाना चाहिए, और मूली भी वैसे गुणों की खान होती है। तो हम दोनों मिक्स करके बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगी। और अलग अलग तरीके से हमें पालक की सब्ज़ी बना के खाना चाहिए, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो अभी हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च। प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं तो हम साथ में डाल देंगे हरी मिर्च। ये हम डाल देंगे अदरक का पेस्ट और ये लहसुन। लहसुन का मैंने पेस्ट नहीं बनाया फ्रेंड, ये कद्दूकस किया है। अगर इस तरह से आप बनाओगे तो बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनेगी। इसमें आप लहसुन को कट करके भी डाल सकते हो, वो भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है कट करने से भी, लेकिन इसमें ज़्यादा पेस्ट अच्छा नहीं लगता है। अभी हम इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। गैस को हमें इस टाइम मीडियम ही रखना है। तो ये देख पा रहे होंगे अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं प्याज, हरी मिर्च अच्छे से हमने फ्राई कर लिया है। अभी हम डाल देंगे इसमें मसाला, जो हमने मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया, नमक लिया था। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप लेना, क्योंकि कोई ज़्यादा खाता है कोई कम खाता है, वो अपने अपने हिसाब से आप नमक डाल सकते हो। अभी हम इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें हमें अलग से कोई उबालना, सब्ज़ी को अलग से बॉईल करना, कुछ भी झंझट नहीं है। बस सीधा हमने बनाया, और आप इस तरह बना के देखना, सच में ही बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनेगी। तो इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड कर देते हैं, इससे क्या होता है कि मसाला अच्छे से पक जाएगा, जलेगा नहीं। तो हमें थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करना है। अभी हम इसको थोड़ा पका लेते हैं। मसाले को पकाना सब्ज़ी में बहुत ज़रूरी होता है। तो ये देखिए अच्छे से मसाला पक चुका है, आपको दिख ही रहा होगा। अभी हम इसमें पालक ऐड करेंगे, जो हमने काटा था। मूली हम बाद में करेंगे, पहले पालक को फ्राई करेंगे अच्छे से मसालों के साथ। तो ये देखो मसाला हमारा अच्छे से पक चुका, आपको दिख ही रहा होगा। अभी हम इसमें डाल देंगे पालक। तो फ्रेंड्स, पालक हमारी ज़्यादा लग रही है, तो इसको हम थोड़ा ऐसे फैला के छोड़ देंगे और इसको 1 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे।
ढक के भाप से इसको पकाएंगे तो एकदम ये थोड़ी हो जाएगी तो मसाले में मिलाने में आसानी होगी। तो हम एक बार इसको ऐसे छोड़ देते हैं एक मिनट के करीब। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने छोड़ दिया। तो ये देखिए एकदम थोड़ी सी हो गई है, अभी हम मिलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आसानी से ये मिल जाएगी। पहले ये कितना भरा भरा लग रहा था, जैसे ये थोड़ी हमने इसको अच्छे से पकाया है तो एकदम कम हो गई है। अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए पालक पानी छोड़ रही है, हमें इसमें पानी नहीं डालना है बिल्कुल, क्योंकि मूली में भी पानी होता है और पालक में भी पानी होता है। तो ये अपने आप ही पानी छोड़ देंगे, अपने पानी से ये अच्छे से पक जाएगी। तो ये देखिए मसाले में हमने अच्छे से इसको पका दिया है। तो एक मिनट के करीब और इसको ढक देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, एक मिनट हो चुका है और ये देखिए पालक ने हमें अच्छे से पानी छोड़ दिया, आपको दिख रहा होगा। अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करके जो मूली हमने कट करके रखी थी वो इसमें डाल देंगे। मूली के पत्तों को हमने पहले ही इसमें मिक्स कर दिया था, धनिया को भी मिक्स कर दिया था। अभी ये लास्ट में मूली बची है, इसको भी हम अच्छे से मिक्स करके और ढक के इसको भी 2-3 मिनट इसको हम पकाना है। 10 मिनट के करीब हमें इसको ढक के पकाना है एकदम मीडियम गैस पर, तभी अच्छे से पक पाएगी, क्योंकि हम इसमें पानी नहीं डाल रहे और ये अपने आप पानी अपने खुद के पानी से ये अच्छे से पकेगी। तो हमें इसको 10 मिनट तो देना ही है। तो अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं इसको और फ्रेंड इसको हम ढक के करीब 10 मिनट के करीब हमें इसको मीडियम गैस पे पकाना है। इस तरह हमें छोड़ देना है, अभी हम इसको ढक देंगे और हमें 10 मिनट इसको पकाना है। 10 मिनट के बीच बीच हमें इसको चम्मच से थोड़ा चला भी देना ताकि वो चिपके ना। तो ये देखिए फ्रेंड, 10 मिनट हो चुके हैं, अभी हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए सब्जी बनके एकदम रेडी हो गई है, दिख रहा होगा आपको। तो ये देखिए मैंने तोड़ के देख लिया इसको, ये अच्छे से पक चुकी है और अभी हम कर देते हैं गैस को बंद। सब्जी हमारी एकदम रेडी हो गई है बनके, बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, तो आप ट्राई ज़रूर करना। तो अभी मैं आपको सर्विंग बाउल में निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी प्यारी सब्जी बनी है, कितना प्यारा कलर आया, हमने इसमें पानी कुछ भी नहीं डाला है, फिर भी कितनी अच्छी लग रही है। देखिए देखने में ही कितना अच्छी सब्ज़ी लग रही है, टेस्ट तो इसको आप पूछो ही मत, बहुत ही टेस्टी है और सेहत के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। तो इसको हफ्ते में 1-2 बार आप ज़रूर बना के खाइए। तो फ्रेंड्स ये आपको खूब पसंद आएगी। तो अगर फ्रेंड्स मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर देना और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।